नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डर के विषय में। डर ऐसी कैसी चीज है जो जीवन में किसी न किसी पड़ाव पे हम सबको सताती है। किसी न किसी बात से हम सबको डर लगता है, कोई ना कोई बात सोच के हमें मन में घबराहट पैदा होती है। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपके इस डर को खत्म करने की। वीडियो थोड़ा लंबा है, ज़्यादा दवाएं हैं क्योंकि ज़्यादा सिम्टम है। डर आदमी को एक चींटी से भी लग सकता है और डर एक व्यक्ति को एक हाथी से भी लग सकता है। डर आपको सड़क के बाहर जाने पर भी लग सकता है और डर आपको अमरीका जाने पर भी लग सकता है। डर आपको एक साइकिल चलाने में भी लग सकता है और डर आपको हवाई जहाज में भी लग सकता है। डर आपको अपने परिवार के खोने के किसी के विषय में लग सकता है। डर आपको एग्जाम जाने के देने के विषय में लग सकता है। डर आपको किसी से मिलने के विषय में ले रख सकता है और बिना किसी बात के भी आपको डर रात में लग सकता है, चाहे सपनों से, चाहे मौत से, चाहे जिस चीज़ से। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो थोड़ा सा लंबा है, डर को दूर करने की होम्योपैथिक दवाएं, अपने मन से डर को भगाने की होम्योपैथिक दवाएं। आप इस वीडियो में तलाशिएगा अपने कारण को, आपको किस कारण से डर लगता है। कोशिश करूंगा उस कारण का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको दे सकूं। बताऊंगा साथियों आपको करीब 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो विभिन्न सिम्टमों पर आपके डर को दूर करेंगी। रिक्वेस्ट साथियों यही है कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, अगर इलाज करिएगा तो किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लीजिएगा। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपके जीवन को और खुशहाल बनाने का, बेझिझक बनाने का, डर को दूर करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में डर को दूर करने की है वह है एकोनाइटम नेप्लस। एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है डर को दूर करने की, और आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है मन में एंजाइटी या उलझन को दूर करने की। तो यहाँ पे बात हो रही है डर की, तो दवा है एकोनाइट। एकोनाइट आप हर उस स्थिति में ले सकते हो, जब आपको मौत से डर लगता हो, जब आपको अंधेरे से डर लगता हो, जब आपको रोड क्रॉस करने में डर लगता हो, जब आपको किसी से मिलने में डर लगता हो और आपको किसी भी बात से डर लगता हो, तो एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। यह दवा जनरल सिम्टम के तौर पे आपके हर प्रकार के डर को दूर करने में समर्थ है। तो यदि आपको डर ज़्यादा लगता है या फ्राइट आपको रहती है, तो एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें 15 दिन तक। आप देखेंगे कि आपकी डर की स्थिति कम हो गई, चाहे वो किसी भी चीज़ से डर हो, आपको यह दवा राहत देगी। एक साथियों डर की स्थिति आती हो कि आपको एक तरह का डर लगता हो कि सब कुछ गिर जाएगा, सामने घर है वो गिर जाएगा, कोई घोड़ा चल रहा है वो गिर जाएगा, कोई पुल बना है वो गिर जाएगा, तो अगर इस तरह की आपको डर लगता हो कि सब कुछ गिर जाएगा, तो उसको उस डर को भगाने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा हाइड्रोसाइनिक एसिड। आप हाइड्रोसाइनिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके जो आशंका रहती है, आप जहाँ से गुजरे वो चीज़ गिर जाएगी, उस आशंका के जो डर है उसको ख़त्म करेगी और आपका सड़क पर चलना आसान बनाएगी। एक साथियों डर की स्थिति हो सकती है जिसमें आप हम डर सकते हैं, वह है इमेजिनरी थिंग्स से डर। आपको हैल्यूसिनेशन हो रहा कि कोई मेरे पीछे आ रहा और आप डर गए। आपको एक आशंका हो कि कोई सामने खड़ा है और आप डर गए। आपको आशंका हो कि कोई हवा में तैर रहा है और आप डर गए। तो अगर इस तरह की स्थिति आशंका आपके मन में साथी हो, तो उस तरह के डर को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस स्थिति में ले सकते हैं, जब आपको जो चीज़ आपके सामने प्रकट नहीं है, इमेजिनरी है, उससे आपको डर लग रहा है। यह दवा आपके डर को ख़त्म करेगी, आपके हेलुसिनेशन को ठीक करेगी और आपके जीवन को सरल और सुगम बनाएगी। एक साथियों स्थिति आती है डर की कि आपको लगता हो कोई आपका पीछा कर रहा है हर वक्त। अगर यह डर आप में हो, आप बाजार जाते हो तो कोई आपका पीछा कर रहा है, आप किसी फंक्शन में जाते हो तो कोई आप पे नज़र बनाए है, अगर यह आशंका आपके मन में हो, यह डर आपके मन में हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एनाकार्डियम।
आप एनाकार्डियम 202 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपको लगता हो कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपके साथ चल रहा है और आप उससे परेशान हो जाते हो, एनाकार्डियम आपको ठीक करेगी। एनाकार्डियम का मरीज आमतौर पे थोड़ा सा झगड़ालू होता है और क्रूएल होता है, तो अगर आपको लगता हो कि आप थोड़ा सा आप में या अंश है क्रूएल्टी का, तो आपकी दवा एनाकार्डियम है। इसको 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथी आ सकती है कि कभी आपका एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बाद अब आप डर जाते हो, तो अगर यह स्थिति हो कि कभी आपका एक्सीडेंट या ट्रॉमा आपको पहुंचा हो किसी तरह का और आप उसी की आशंका से अब डर जाते हो, तो अगर वह स्थिति है साथी हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा ओपीएम है। आप ओपीएम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आपको किसी एक्सीडेंट के बाद अब डर लगता हो, कोई आपको ट्रॉमा चोट पहुंची है उसके बाद आपको डर लगता हो, तो ओपीएम बहुत अच्छी दवा है आपके डर को ख़त्म करने की और आपको खुशहाल बनाने की। एक स्थिति साथियों आती है, आपके दिमाग में एक डर की कंडीशन आती कि आपको लगता हो साहब अब हम भगवान को जाने वाले हैं, ऊपर वाले पास जाने वाले हैं, और उससे घबरा जाते हो। ये एक सत्य है, लेकिन घबरा जाते हो आप इस सत्य को सोचकर, और आप भगवान का नाम तक ना ले पाएंगे उस समय, आपको ऐसी आशंका हो। अगर यह साथियों बड़ी टिपिकल मेंटल कंडीशन है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कैनबिस इंडिका। आप कैनबिस इंडिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी डर को ख़त्म करेगी, आपकी जो मृत्यु का डर है आप में उसको ख़त्म करेगी और आपको थोड़ा सा कम्फर्ट जोन में लाएगी। एक साथियों स्थिति आती है कि आपको रात में सोने के बाद बड़े खूबसूरत सपने आते हो, लेकिन आप डर जाते हो, तो अगर यह स्थिति है कि आपको सोने के बाद बहुत सपने आते हो और आपकी रात में नींद खुल जाती है और आप घबरा जाते हो, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स फॉर्मिका। आप नक्स फॉर्मिका 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आपके रात को सोने के बाद खूबसूरत सपने आते हो लेकिन फिर भी आप घबरा जाते हो, तो आप नक्स फॉर्मिका लें, अपने को ठीक करें, गहरी नींद रात में उसके बाद सोएं, सुबह उठें तो फ्रेश उठें और दिन में आप डरे ना, तो नक्स फॉर्मिका इन सारे मुद्दों पे आपकी हेल्प करेगी और आपको बेहतर बनाएगी। एक स्थिति आती है साथियों जब आपको अपनी परछाई से भी डर लगता है। रात में जब आपकी परछाई दीवार पर पड़ती है तो आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, तो अगर यह स्थिति आप में है साथियों, तो इसको ठीक करने की और डर को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैलेडियम। आप कैलेडियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। उस स्थिति में जब आप रात में आपकी परछाई भी दीवार पर पड़ती हो तो आप डर जाते हो, तो कैलेडियम 30 आपको ठीक करेगी, आपके इस डर को ख़त्म करेगी और आपको निश्चिंत बनाएगी। एक साथियों स्थिति आती है कि आपको डर लगा और डर लगने के बाद आपकी सांस फूलने लगी। अगर यह स्थिति आप में है कि आपको डर लगता हो और डर लगने के बाद आपको सांस फूलती हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्यूप्रम मिटालिकम। क्यूप्रम मिटालिकम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको डर या घबराहट होती हो और आपकी सांस फूलने लगती हो। और इसका एक सिम्टम साथियों और है कि आपके पैरों में ऐठन हो। अगर यह स्थितियाँ हों तो आपके डर को भगाने की, आपके फियर को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है क्यूप्रम मिटालिकम। एक साथियों स्थिति डर में मेंटल कंडीशन आ जाती है कि आपको डर लगता हो और आप जैसे 10 लोग जमा है वहाँ से भागने की कोशिश करते हो, तो अगर आपको अचानक डर लगने लगता हो, आप लोगों के बीच से भागने का प्रयास करते हो, जाने का प्रयास करते हो, तो उस तरह की स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है मर्क्यूरियस। आप मर्क्यूरियस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आप लोगों के बीच खड़े हों, जमावड़े में हों और एकदम से आपको घबराहट और वहाँ से आपका भागने का मन करे, तो उस तरह का जो डर अचानक आपके पैदा होता है उसको दूर करने की दवा मर्क्यूरियस बहुत अच्छी है। इस दवा को आप 30 पावर में 2-2 बूंद लेकर अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी घबराहट को, डर को ख़त्म कर सकते हैं। एक साथियों डर की स्थिति आती है कि कभी कभी महसूस होता हो सकता है किसी को कि उसको चाकू मार दिया जाएगा, चाकू से उस पर हमला होगा, उसको चाकू मार दिया जाएगा। तो अगर यह डर हो कि आपको नाइफ से हमले की आशंका हो और उससे आप डर जाते हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार ले सकते हैं। हर वो व्यक्ति मरीज ले सकता है जिसको चाकू से हमले, अपने ऊपर हमले का डर बना रहता हो, उसमें रेस्टलेस एंजाइटी बहुत हो, बेचैनी बहुत हो, उलझन रहती हो और एक जगह रुक ना पाता हो,
थोड़े थोड़े वक्त पे उसको प्यास लगती हो, गला सूखता हो और उसमें घबराहट हो, तो आर्सेनिक एल्बम आपका ड्रग ऑफ द चॉइस है। आपको यह दवा ठीक करके जो चाकू से आपको हमले की आशंका से डर की बात है उसको ख़त्म करेगी, आपके जीवन को निश्चिंत और निर्भीक बनाएगी। एक साथियों, डर की स्थिति किसी में आ सकती है कि उसको डर लगता हो कि हमारे बिस्तरों में, गद्दों में, बेड पे आग लग गई। अगर इस तरह का सिम्टम आप में आता हो कि आपको यह लगता हो जैसे आप लेटे हैं और आपका बिस्तर जल रहा है और आप घबरा के एकदम से उठ गए, जिनके समस्या नहीं है उनको तो सुन के ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है, जिसको दिमाग में बात आती है उसके आती है, उसको इससे डर लगता है। और इस डर को भगाने की और यह जो बिस्तर के जलने की एक इमेजिनरी आपके आती है बात और आप उससे घबरा जाते हैं, उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में, और दवा का नाम है क्यूप्रम एसिटिकम। क्यूप्रम एसिटिकम 30 पावन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं आप। यह दवा आपके डर को ख़त्म करेगी। आपको जो लगता है आपका बिस्तर, पलंग, बेड जल रहा है, वह स्थिति को ख़त्म करके आपको बढ़िया सी नींद देकर सुलाएगी और सुबह नॉर्मल उठाएगी। एक स्थिति आती है साथियों डर की, जो ज़्यादा कॉमन है, वह है भूतों से डर। जब आपको लगता है कि कोई घोस्ट आसपास मौजूद है, आप उससे बहुत डर जाते हैं, वो घोस्ट आएगा और आपको अपने आगोश में ले लेगा, तो अगर यह डर आप में है, मैं सारी हॉरर फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, अगर यह डर आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैम्फोरा। आप कैम्फर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको इमेजिनरी थिंक्स जैसे कि भूतों से डर लगता हो, आप इस दवा को लें। और हम सब कह सकते हैं कि कभी ना कभी ऐसे हम लोग शायद जरूर डरे हों, तो इसकी यह बहुत कारगर दवा है, आप इसको लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आ सकती है आप में कि आपको लगता हो कि बुरी आत्माएं हमको जीवन में गिरा देंगी, जीवन में हमको नुकसान पहुंचाएंगी, हमको गिरा देंगी। तो अगर यह स्थिति आपको अपने में लगे कि बुरी आत्माएं आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगी, तो उस स्थिति को, डर को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में, और दवा का नाम है मैंसिनेला। आप मैंसिनेला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपको जो बुरी आत्माओं से डर है आपका, वह ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि रात में अचानक घबराहट हो गई, अपनी लगता है कि अब हमारी डेथ हो जाएगी। अगर यह स्थिति हो कि रात में आप लेटे लेटे सोते सोते एकदम से आपको लगता हो कि आपकी डेथ हो जाएगी और आप उठ के सीना पकड़ लेते हो, अपने जो है चेस्ट को होल्ड कर लेते हो, तो अगर यह समस्या आप में है कि रात को सोते वक्त आपको डेथ से अपनी घबराहट होने लगे, तो उस घबराहट को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्निका मोंटाना। आप आर्निका 1 mg/power में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस सिम्टम को ख़त्म करेगी जो कि ये बताती है आपको रात में उठे और अपनी ही मौत से डर लगने लगा और रात में उठ के बैठ के सीना पकड़ के बैठ गए। आप आर्निका का सेवन करें, यह दवा आपके इस तकलीफ को ख़त्म करके आपको सामान करेगी। एक स्थिति साथियों किसी में आ सकती कि शाम के वक्त घबराहट होने लगी, जब शाम हुई तो मन घबरा गया, एक बेचैनी आ गई, तो अगर शाम के समय आप लोगों को किसी को घबराहट होती हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एलुमिना। आप एलुमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि शाम के वक्त आपको डर लगता हो, फियर होता हो, आप में कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, मोशन आपको कई कई दिन पे 3-4 दिन बाद एक बार होता हो, पहले बार सख्त होता हो फिर मुलायम होता हो, आपको सर्दी बहुत लगती हो और आपको स्किन के डिजीजेस हों, इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आप में है तो आपकी दवा एलुमिना है। एलुमिना आपकी शाम की घबराहट को ख़त्म करके आपकी शाम को गुलाबी और खूबसूरत बनाएगी। एक साथियों किसी के मन में स्थिति आ सकती है कि उसको आशंका हो कि कुछ बुरा होने वाला है, उससे वो घबरा जाते हों, खास तौर से महिलाओं में यह सिम्टम होता है। तो अगर यह स्थिति किसी महिला में है कि उसको लगता हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उससे वह बहुत घबरा जाती हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार्ब 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह महिला ले सकती है जो फेयर, फैट एंड फ्लैबी हो, थोड़ा रंग गोरा हो, थोड़ा सा थुलथुल हो, मोटी हो।
उसके सर से पसीना रात में बहुत आता हो, पूरा तकिया भीग जाता हो, इतना पसीना आता हो, सर्दी बहुत लगती हो और उसको लगता हो साहब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो कैल्केरिया कार्ब आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करेगी। एक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, डर का कारण होता है अंधेरा। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सैनिकुला। आप सैनिकुला 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यदि आपको अंधेरे से डर लगता हो और आपको लगता हो कोई हमारे पीछे खड़ा है तो आप सैनिकुला 200 पावर में लें दो दो बूंद दिन में तीन बार और अपने इस प्रकार के डर को भगाएं, अपने अंधेरे से होने वाले डर को भगाएं, क्योंकि अंधेरा कहीं भी मिल सकता है और आप अगर ऐसे डरेंगे तो कैसे चलेंगे। तो अंधेरे से डर दूर करें, सैनिकुला दवा का इस्तेमाल करें। एक स्थिति साथियों किसी के डर में आ सकती है, आपके डर में आ सकती है, हमारे डर में आ सकती है कि हम इमेजिनेबल थिंग से डरते हो, कुत्तों से बहुत डर लगता हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, किसी को डॉग से बहुत डर लगता हो, कुत्तों से बहुत दूर डर लगता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं यदि आपको इमेजिनरी थिंग्स और डॉग्स से फियर होता हो, डर लगता हो। एक स्थिति साथियों आती कि आपको सीढ़ी चढ़ने या उतरने से भी डर लगता हो, आपको लगता है आप गिर जाएंगे। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको स्टेयर्स क्लाइंब करने या स्टेयर्स से उतरने में बहुत डर लगता हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अनोस्मोडियम। आप अनोस्मोडियम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं और अपने ये जो सीढ़ी चढ़ने और उतरने का डर है इसको आप खत्म कर सकते हैं। एक साथियों मेंटल कंडीशन आ सकती है डर की स्थिति में किसी की, कि उसको हर समय डर बना रहता हो कि कहीं हमला ना हो जाए, एयर रेड हम पे ना हो जाए या कहीं जाए तो वो काम ना हो पाए, इसलिए काम वो बड़ी जल्दी जल्दी अब करता है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं उससे पहले काम को घर में जल्दी जल्दी समेटना, अगर वह स्थिति आपके दिमाग में है कि आपको एक डर बना है उस कारण आप हर काम को बड़ी जल्दी करते हैं, पता नहीं ये काम आगे हो पाए कि नहीं, वो जो डर अगर आपके मन में है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा जो आपका ओवर एंशियसनेस है उसको ख़त्म करेगी और आपको घर से बाहर जाने से पहले की जो घबराहट होती है उसको ख़त्म करके आपके जीवन को सुगम बनाएगी। एक साथियों बड़ी मज़ेदार कंडीशन है, उसकी बड़ी मज़ेदार दवा है। वह कंडीशन यह है कि आपको गरीबी से डर लगता हो, पॉवर्टी से डर लगता हो, तो अगर आपको गरीबी से डर लगता हो तो उस डर को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया एल्बा। मान लेते हैं आप बड़े अमीर हो, आपके पास बड़ा पैसा हो, लेकिन आपके मन में एक डर बना रहता हो कि अगर हम ज़मीन से उठे हम पहले की तरह ज़मीन पर ना गिर जाएं। मैं उस तरह की बात कर रहा हूं। तो अगर वह डर आप में हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया एल्बा। आप ब्राइनिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपसे गरीबी के होने वाले डर को या गरीबी में वापस ना चले जाएं, इस डर को ख़त्म करके आप आज जिस भी मुकाम पे हैं आपको उसका पूरा आनंद देगी। एक स्थिति साथियों किसी के मानसिक स्तर पे हो सकती है कि उसको डर लगता हो इस बात से कि उसको जहर दे दिया जाएगा या फिर कुछ बुरी आत्माएँ आके उस पर हमला कर देंगी। तो अगर इस तरह की स्थिति हो साथियों कि आपको लगता हो कि आपको जहर दे देगा कोई, या फिर आपको लगता हो कि कोई बुरी आत्माएं आएंगी और आपको जो है नुकसान पहुंचा देंगी, तो उस डर को भगाने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हायोसाइमस। आप हायोसाइमस 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको जो जहर देने की आपकी आशंका है, कोई आपको जहर दे देगा उससे आप डर जाते हैं, तो अब कोई वास्तव में जहर देने वाला हो तो जरूर डरें, लेकिन कभी कभी आशंका से आप डर जाते हैं, तो उस आशंका को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा हायोसाइमस है। आप यह दवा लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है कि आपको ट्रेन से बहुत डर लगता हो, तो अगर आपको ट्रेन से बहुत डर लगता है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, आपके ट्रेन से डर को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है। क्योंकि साथियों अब कहीं आपको बाहर जाना है अपने शहर के, तो उसके तीन साधन या तो गाड़ी या ट्रेन या प्लेन। एरोप्लेन हर जगह एयरपोर्ट होते नहीं है, पॉसिबल नहीं है, गाड़ी आप हर समय अपनी निकाल नहीं सकते, तो ट्रेन आज भी बड़ा सुगम साधन है। और अभी अभी कल मैं न्यूज़ में देख रहा था कि अभी सरकार ने कल बताया है लोकसभा में कि 11 महीने से ट्रेन के सफ़र में एक भी मौत नहीं हुई है,
तो पहले तो आप इस तथ्य को ही ध्यान कर लें कि 11 महीने में एक भी मौत ट्रेन से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है ट्रेन से तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा और डर को भगाने की बहुत कारगर दवा है सकाइनम। आप सकाइनम 30 पावन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका ट्रेन से होने वाला डर जो आप में बैठा है वह खत्म हो जाएगा और आप ट्रेन पे बेहतर और निश्चिंत सफ़र करेंगे। एक स्थिति आती है साथियों, मन में घबराहट होती कि बहुत बड़ा कोई जो है वो भूचाल आने वाला है, बहुत बड़ी कोई डिजास्टर होने वाली है। आमतौर पर जब हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, तो कुछ लोगों के मन में एक डर रहता है कि बहुत बड़ा कोई जो है दुर्घटना होने वाली है, एक नेचुरल कलामिटी डिजास्टर आने वाली है। तो अगर यह डिजास्टर आने का आपके मन में आशंका रहती हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फॉस्फोरस है। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपका जो डर है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी वह डर खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को सहज महसूस करेंगे। एक स्थिति साथियों आ सकती है कि आपको अपने भविष्य को लेके बहुत डर लगता हो। तो अगर यह स्थिति हो कि जब आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत डरते हो, भविष्य को लेके बहुत डरते हो, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है काली कार्बोनिकम। आप काली कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके डर को खत्म करेगी, आपकी घबराहट को खत्म करेगी और जो फ्यूचर के प्रति आप सशंकित हैं, आशंकित हैं, उसको खत्म करके आपके फ्यूचर को भी बेहतर करेगी क्योंकि आपकी दिमागी कंडीशन को ठीक करेगी। ये साथियों को दवाएं थी आपके डर को भगाने की। डर के आगे जीत है। जीवन में डरे ना, जीवन में आप नाम करने आए हैं, अपने माता पिता का नाम करके इस जीवन से जाएं। अगर डरेंगे तो आप नाम नहीं कर पाएंगे और आजकल की पीढ़ी की मैं बहुत बड़ी कमी समझता हूँ डर। आजकल हम लोग के बच्चे डरे रहते हैं, उतने बोल्ड नहीं रहते जितको रहना चाहिए था। और बाकी जो लोग बचते हैं वो ये आत्मा घेर लेगी, वो टोना टुटका करना है, ये करना है, ये जादू टोना कर दिया होगा उसने, इन सब डरों से आशंकित रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको आपकी बातों का जवाब देने का प्रयास किया है। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिखकर या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, उस पर अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा और उसे सब्सक्राइब कराने को प्रेरित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। उम्मीद है साथियों आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप थोड़ा सा अगर अपना आशीर्वाद हम लोगों को दे देंगे, अपना ब्लेसिंग्स हम लोगों को दे देंगे, हमारे लिए दुआ कर लेंगे तो बात भी लोगों तक पहुंच जाएगी और हम भी लोगों तक पहुंच जाएंगे। आपका साथियों इस लंबे से वीडियो में इतनी देर साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद।